पीछे बैठे मंच पर भट्टा संघ के आदरणीय अजीत सिंह जी, आदरणीय जितेंद्र जी, भाई अंजना जी, भाई बहनों प्रकाश जी और महेंद्र सिंह और रविंद्र जी ने अपने विचारों को रखा। मैं सर्वप्रथम इस आज स्नेह कमल यूपी में पहले भी खिला था और आज भी खिला। अंतर बस इतना है कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में एक सीट हार गई थी, तो इस बार जो 17 नगर निगम थे 17 में 17 भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है और यह अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में आम जनमानस का जो विश्वास है उसी का यह परिणाम है कि हम उत्तर प्रदेश में सभी नगर निगमों में हमने भारी बहुमत से चुनाव जीता है। वो विधानसभा भी आप जीते हैं, उपचुनाव वही उपचुनाव भी भारतीय उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक गांव में और आम जनमानस के साथ उसका संवाद स्पष्ट है और प्रत्येक देश के वासी इस बात की अनुभूति कर रहे हैं कि देश का ही, समाज का ही, सबका ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संभव है। इसलिए दोनों विधानसभा के उपचुनाव में लोगों ने भाजपा को वोट दिया है और भाजपा चुनाव में चुनाव में कहाँ चुनाव चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ी और विजय की ओर थी। कहीं कुछ त्रुटि हुई है उसको बैठ करके हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे, देखेंगे कहाँ हुआ है, पुनः आगे इसको जीतने का हम प्रयास करेंगे। रिकाउंटिंग की चर्चा चल रही थी लेकिन रिकाउंटिंग का मौका नहीं दिया गया, क्या कारण था? ये प्रशासनिक निर्णय है, जो उचित होगा प्रशासन ने अपने हिसाब से निर्णय लिया।